दोस्तों, क्या आपका पैसा भी सहारा समूह में फंसा हुआ है? तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आपने सहारा समूह से रिफंड लेने के लिए आवेदन कर दिया है और आगे की प्रक्रिया जानना चाहते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए है। और किसी कारणवश अगर आपने आवेदन किया ही नहीं है, चीजें नहीं समझ में आई थी, तो भी ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम सहारा समूह के रिफंड के लिए अप्लाई करने से लेकर क्या क्या दस्तावेज लगने हैं उन तमाम सवालों के बारे में बात करेंगे। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार सहारा समूह ने लोगों की गाढ़ी कमाई का जो लाखों हजार करोड़ रुपए लिया है वो सरकार कैसे उसे निकलवाएगी। क्योंकि जुलाई के महीने में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा था कि लोगों का 5,000 करोड़ रुपए सहारा में फंसा हुआ जो है वो सरकार वापस कराने जा रही है। इसके लिए एक पोर्टल भी चलाया गया, उस पोर्टल का नाम है CRCS। ये सहारा रिफंड पोर्टल है और इसी पोर्टल के थ्रू आपको आवेदन करना है, जिसके बाद आपका पैसा लौटाया जाएगा। लेकिन सहारा समूह में 5,000 करोड़ रुपए जो वापस किए जाएंगे, लोगों को लौटाए जाएंगे, क्या ये सहारा समूह में इन्वेस्ट करने वाले तमाम सोसाइटीज के लिए है? तो बता दें कि नहीं, क्योंकि सरकार ने क्लियर किया है, कुछ 4 सोसाइटीज हैं गिनी चुनी जिनको बताया है कि इन सोसाइटीज में जिन लोगों का पैसा लगा है सिर्फ वही पैसे वापस होंगे। अब ये सोसाइटीज कौन सी है सहारा की, ये भी जान लेते हैं। पहली है सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ, दूसरा है हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता, तीसरा सहारायान यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड भोपाल और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद। इन सोसाइटीज में जिन लोगों के पैसे लगे हैं उन लोगों के पैसे वापस किए जाएंगे, और पैसे किस तरह से आएंगे ये भी आपको बता दें। तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा था कि 10,000 रुपए करके लोगों के अकाउंट में पैसे वापस भेजे जाएंगे और इसके लिए लोगों को आवेदन करना होगा। आवेदन में भी कई लोग इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं कि हमने किस सोसाइटी में पैसे लगाए हैं, क्योंकि लोग जब पैसे इन्वेस्ट कर रहे थे तो वो सिर्फ और सिर्फ सहारा के नाम पे कर रहे थे। लेकिन आपके पास एक पर्ची होगी, उस पर्ची पे लिखा होगा कि आपका पैसा किस सोसाइटी में लगाया जा रहा था। अगर इन चारों में से किसी सोसाइटी में आपका पैसा लगा है तो वो पैसे आपको मिल जाएंगे, या इन चारों में आपका पैसा लगा है तो वो पैसे आपको मिल जाएंगे। अब आगे जानते हैं कि सहारा समूह में कितने लोगों ने इन्वेस्ट किया है और कितने लोगों का पैसा मिल सकता है और कैसे मिल सकता है, और पूरे पैसे देने के लिए कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी सरकार को, और सरकार इसके लिए क्या प्लान कर रही है। तो आपको बता दें कि सहारा समूह में कुल 2.5 करोड़ लोगों ने 1.12 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे। ये 1.12 लाख रुपए जो हैं वो लोगों की इंडिविजुअल पैसे हो सकते हैं, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक इनमें निवेशकों का करीब 1.12 लाख करोड़ रुपए फंसा हुआ है। 12 लाख करोड़ रुपए, तो 12 लाख रुपए से आप डिस्टर्ब ना होइएगा। और सरकार के प्लान के मुताबिक निवेशकों को 10,000 रुपए ही वापस मिलेंगे फिलहाल के लिए। जो पहली किस्त आएगी वो 10,000 रुपए की होगी। कितने लोगों को इसमें पैसा मिल जाएगा ये भी जान लेते हैं। एक रिपोर्ट की माने तो सहारा ग्रुप ने 26 राज्यों में 2.76 करोड़ छोटे निवेशकों, यानी कि वो लोग जो डेली बेसिस पे काम करते थे, डेली पैसे इकट्ठा कर करके देते थे। आपको याद होगा कि सहारा में जब पैसे लगाए जा रहे थे उस वक्त एक एजेंट आता था रोज शाम को, वो पैसे लेकर जाता था। तो ये उस तरह के निवेशक है जो 2.76 करोड़ रुपए हैं, जिन्होंने अपनी गाड़ी कमाई का 80,000 करोड़ रुपए सहारा में इन्वेस्ट कर दिया। सहारा ने 80,000 करोड़ रुपए जुटाए। अगर इस हिसाब से देखें तो इन जैसे ये 2.76 करोड़ जो निवेशक हैं, इनको अगर पैसा देना हो 10,000 रुपए के हिसाब से अगर लगा लें तो इनके लिए लगभग 27,000 करोड़ रुपयों की जरूरत पड़ेगी, तब जाके सबके पास 10,000 रुपए जाएंगे। अब कितने पैसे लगे होंगे ये भी जान लेते हैं। अगर वहीं सहारा इंडिया ग्रुप कंपनी की पूरी बात करें, यानी सहारा के सारे सोसाइटीज़ की बात कर लें, तो इसमें कुल निवेशकों का जो आंकड़ा है वो करीब 13 करोड़ है। 13 करोड़ लोगों ने सहारा में इन्वेस्ट किया है। और इस बारे में बीते साल 2022 में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद को बताया था कि इन निवेशकों का 1.12 लाख करोड़ रुपए सहारा पे कर्ज है, यानी सहारा ने 1.12 लाख करोड़ रुपए लोगों का ले लिया है, अब इन पैसों को वापस देना है। लेकिन अभी जो केंद्रीय मंत्री ने कहा
कि जो आवेदन हो रहे हैं उस आवेदन प्रक्रिया के तहत लोगों को 10,000 रुपए दिए जाएंगे और ये 5,000 करोड़ रुपए हैं। अब 5,000 करोड़ रुपए में कितने लोगों को पैसा दिया जा सकता है ये आप जोड़िए। अब तक किस किस को मिला सहारा का पैसा? अभी बहुत से लोग हैं जिन्हें सहारा का पैसा मिल चुका है। तो आपको बता दें कि जब जुलाई के महीने में ये पोर्टल लॉन्च हुआ, लोगों ने आवेदन करना शुरू किया, तो हो सकता हो इसकी जांच के लिए लोगों को, कुछ लोगों को पैसा भेजा गया। जिन लोगों को पैसे मिले हैं 10,000 रुपए अकाउंट में आए हैं वो कुल 120 लोग हैं जिनके अकाउंट में 11,20,000 रुपए पैसे ट्रांसफर हो चुके हैं। लेकिन उसके साथ ही कहा गया था कि इसकी दूसरी किस्त भी आएगी और सितंबर के महीने में तीसरी किस्त भी आएगी। लेकिन आपको बता दें कि बहुत से निवेशक ऐसे हैं जिन्हें अभी तक पैसा नहीं मिला है। तो आपको बता दें कि घबराने की जरूरत नहीं है। इतने सालों से जब आपने इंतजार किया है सहारा के पैसे का, तो सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया है, तो थोड़ा और इंतजार कर लिए। हो सकता हो प्रक्रिया में कुछ चीजें लग रही हों, कुछ टाइम रहा हो, वो पैसा सरकार देने की पूरी कोशिश करेगी। क्योंकि केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि ये 5,000 करोड़ रुपए लोगों को ट्रांसफर करने के बाद, लोगों के अकाउंट में जाने के बाद, हम दोबारा से सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे और सुप्रीम कोर्ट से ये बोलेंगे, कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट और पैसे रिलीज करवाए सहारा समूह से ताकि बाकी लोगों के सारे पैसे दे दिए जाएं और इन तमाम चीजों पर काम किया जाएगा। लेकिन पिछले 3 महीने से ज़्यादा हो गए और अभी तक इस पर कोई अपडेट नहीं है, सरकारी कोई अपडेट नहीं आई है। आगे जो भी अपडेट आएगी वो हम आपको बताते रहेंगे। अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे ये हम आपको बता दें, क्योंकि अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने सहारा में मतलब सहारा के रिफंड पाने के लिए अभी तक आवेदन ही नहीं किया है, क्योंकि आवेदन की प्रक्रिया उनको समझ में नहीं आ रही है, कुछ जटिलताएँ हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो सबसे पहले उन डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं जिन डॉक्यूमेंट्स के थ्रू आप आवेदन कर सकते हैं और चीजें आपको मिलेंगी। सहारा पोर्टल पे जो लॉन्च करने की ये जो चीजें हैं, लॉन्च करने के बाद जो चीजें आनी है, इसमें सबसे पहले सहारा मेंबरशिप नंबर, यानी कि आप जब पैसा इन्वेस्ट करते होंगे एक छोटी पर्ची बनी होगी, एक पेपर बना होगा जिसपे आपको एक यूनिक नंबर दिया होगा, वो सहारा का मेंबरशिप नंबर है। उस मेंबरशिप नंबर की जरूरत पड़ेगी, अकाउंट नंबर की जरूरत पड़ेगी, पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी। अगर आपका अमाउंट 50,000 से ज्यादा है, अगर 50,000 से कम है तो आपको इसकी पैन कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। आधार से जुड़ा एक्टिव मोबाइल नंबर चाहिए होगा, डिपॉजिट सर्टिफिकेट और पासबुक डिटेल की कॉपी होनी चाहिए। अब यहां पे आधार से जुड़ा एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए। इस चीज में भी काफी दिक्कतें लोगों को आ रही हैं कि आधार कार्ड उसी नंबर से बना होना चाहिए जो एक्टिव मोबाइल नंबर आपका चल रहा हो, उसी मोबाइल नंबर से बैंक में भी लिंक होना चाहिए, आधार कार्ड भी बैंक से लिंक होना चाहिए, मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, और अगर पैन कार्ड बना है तो वो भी आपके आधार से लिंक होना चाहिए। तमाम चीजें होनी चाहिए जिसके बाद आप आगे की प्रक्रिया में जा पाएंगे। अब आवेदन कैसे करना है इसके बारे में भी आपको बता दें, तो आवेदन करने के लिए जो लोग खुद से आवेदन मतलब क्लेम नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए वो कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि ग्राहक सेवा केंद्र आपका जो होता है वहां पे जा सकते हैं। वहां पूरी सुविधा इसकी की गई है कि वहां पे आपका फॉर्म भर दिया जाए और वो चीजें भी आपको समझा देंगे। इसके अलावा अगर आप चीजों को समझ सकते हैं तो आप खुद भी ये कर सकते हैं, घर बैठे भी ये चीजें हो सकती हैं, जो crcsgovernment.in की वेबसाइट जाकर विजिट करके आप ये भर सकते हैं फॉर्म, यहां से क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा आप सहकारिता मंत्रालय की वेबसाइट से भी जाकर क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद हम उन चीजों पे चलते हैं कि कैसे फॉर्म भरा जाएगा। बहुत से लोगों ने फॉर्म भरा होगा और बहुत से लोग फॉर्म भर लेते होंगे, लेकिन अभी भी बहुत से लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि किस तरह से हम आवेदन करेंगे। बहुत सारी जटिलताएं हैं, कुछ चीजें आती हैं जिसको नहीं समझ पाता आदमी। तो इस पेज को जब खोलेंगे आप, सीआरसीएस जो पोर्टल बनाया गया है, तो पोर्टल पे ये चीजें देख रहे होंगे। यहां पे देखिए प्रधानमंत्री की फोटो है, गृह मंत्री की फोटो है, लेकिन इस पे हमें नहीं जाना है। ये ऊपर नीली पट्टी जो आपको दिखाई दे रही है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसी नीली पट्टी से यहां देखिए जमाकर्ता का पंजीकरण कराना होगा। सबसे पहले पंजीकरण कराने के बाद जमाकर्ता के पेज पे जाकर वहां पे लॉग इन करना पड़ेगा। लॉग इन के बाद जो आगे की प्रक्रिया होगी वो सारी करनी पड़ेगी। हम ये जो चीज आपको दिखा रहे हैं ये उपयोगकर्ता पुस्तिका है, यहां से आप जाकर दे सकते हैं। नेट पे जब जाएंगे तो आपको ये चीजें मिल जाएंगी।
अब पंजीकरण की प्रक्रिया जान लेते हैं। पंजीकरण की प्रक्रिया में जब आएंगे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, पंजीकरण की प्रक्रिया में आते ही पहला जो स्टेप होगा, यहाँ पे देखिए दो चीजें आएंगी, वहां लिखा होगा आधार नंबर, अंतिम का चार अंक आधार नंबर का यहाँ डालना होगा और आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर डालना होगा। इसके बाद ओटीपी प्राप्त करें, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको एक ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद ओटीपी यहाँ पे डालेंगे, वन टाइम पासवर्ड होता है ये, आपके जब आधार से जो मोबाइल लिंक होगा उस पर आएगा, उस मोबाइल से यहाँ ओटीपी डालेंगे, उसके बाद ओटीपी को सत्यापित करेंगे। इसके बाद जमाकर्ता लॉगिन प्रक्रिया पे जाएंगे, यानी कि पंजीकरण आपका हो गया। जब आप आधार का नंबर, मोबाइल नंबर उसका वो सेम जो आधार पे लिंक होगा मोबाइल नंबर, उसी मोबाइल नंबर का प्रयोग करना है। जब इन दो चीजों को आप कर लेंगे तो आपका समझ लीजिए पंजीकरण हो गया है। वहां पे पंजीकरण करने के बाद आप लॉगिन में जाएंगे और बाकी के डिटेल होगा, यानी पंजीकरण करने का ये कतई मतलब नहीं है कि पंजीकरण करने के बाद आपका क्लेम हो गया। पंजीकरण अलग चीज है, जमाकर्ता लॉगिन में जब जाएंगे तो आप क्लेम करेंगे कि कितना अमाउंट यानी कितना पैसा आपका फंसा है और उसके कुछ चीजें देने, साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे। अब जब इसमें जाएंगे तो यहां भी आपको आधार नंबर डालना पड़ेगा, मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, फिर वही ओटीपी की चीजें आएंगी, ओटीपी आएगा, ओटीपी डालना पड़ेगा। ये चीजें इसलिए दी गई हैं गोपनीयता रखने के लिए और चीजों को आपकी कहीं कोई हैक ना कर ले, इसकी वजह से ये चीजें दी गई हैं। अब UIDAI घोषणा, यानी कि आधार जो आपने दिया है वहां पर आधार डेटा का उपयोग करने के लिए जमाकर्ता की सहमति, अब आपको एक सहमति देनी होगी, रजामंदी देनी होगी। यहां देखिए लेफ्ट साइड में नीचे यहां पे नियम और शर्तें लिखा होगा, इस पे क्लिक करके मैं सहमत हूं का बटन दबाना पड़ेगा। इसके बाद आगे की प्रक्रिया पे जाएंगे, फिर छठे स्टेप में आएंगे, फिर दोबारा से आपको आधार नंबर डालना पड़ेगा, ओटीपी डालना पड़ेगा। ये बार बार रिपीटेटिव प्रक्रिया है, ये आपको करनी पड़ेगी। ये चीजें करने के बाद आप आठवें स्टेप में आएंगे। जब आठवें स्टेप में आएंगे तो देखिए यहां पेज आपका खुल गया है, पेज में UIDAI घोषणा है, व्यक्तिगत विवरण है, दावा विवरण है, प्रपत्र एक जनरेट होगा वो है, फिर पांचवें नंबर पे दस्तावेज अपलोड करें, फिर धन्यवाद का चीजें आएंगी। तो हम अब दूसरे प्रक्रिया में, यानी कि दूसरे स्टेप में है आपका लॉगिन खुलने के बाद। लॉगिन खुलने के बाद दूसरा जो व्यक्तिगत विवरण है, यहाँ पे आपको पहला नाम, मध्य नाम, उपनाम, जन्म की तारीख, पिता का नाम, ये तमाम चीजें आपको डालनी होगी। अगर आप दो नामों का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अपना नाम और सरनेम, तो दो नाम डालने होंगे। अगर तीन नामों का इस्तेमाल करते हैं तो तीन नाम डालने होंगे, जैसे राजू राम श्रीवास्तव, तो राजू उनका फर्स्ट नेम हो जाएगा, राम सेकंड नेम हो जाएगा और श्रीवास्तव थर्ड नेम हो जाएगा। रोल, अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है और यहां से फिर सत्यापित करके आप आगे बढ़ेंगे, नौवें स्टेप पे जाएंगे और यहां आपको ईमेल डालना पड़ेगा, वैकल्पिक है, ईमेल भी यहां पे डालना होगा ताकि चीजें और सरलतापूर्वक आपको हो जाएं और अपडेट मिलता रहे। ये करने के बाद आप दावा विवरण पे जाएंगे, ये आपका पर्सनल डिटेल है। पर्सनल डिटेल डालने के बाद, पूरा विवरण डालने के बाद, आप क्लेम कर रहे हैं, इसका विवरण डालने के बाद आप जाएंगे दावा विवरण पे, यानी कि आप दावा किस चीज़ का कर रहे हैं, कितने पैसे आपके फंसे हैं, किस सोसाइटीज़ में आपने लगाए हैं, ये तमाम विवरण जो सहारा की तरफ से आपको दिए गए होंगे वो यहाँ डालना होगा। देखिए सबसे पहले ऊपर जो मैंडेटरी है, हमने आपको बताया कि चार सोसाइटीज़ का पैसा मिलेगा, देखिए यहाँ पर रेड निशान लगा होगा, इसमें सोसाइटी का नाम मैंडेटरी है, जो चार सोसाइटीज हमने आपको बताया उन चार सोसाइटीज का नाम डालना होगा। अगर अलग अलग सोसाइटीज में आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, एक से ज्यादा सोसाइटीज हैं, तो दावा जोड़ें, यहां पे जाके आप दावा जोड़ सकते हैं, नीचे नंबर आएगा। फिलहाल ऊपर पहले सोसाइटीज का नाम, फिर सदस्यता का नाम डालना पड़ेगा, जिन्होंने सदस्यता ली है जिनके नाम से है, फिर खाता संख्या डालना पड़ेगा, प्रमाण पत्र यानी पासबुक नंबर भी यहां पे डालना पड़ेगा, फिर खाता खोलने की तिथि डालनी पड़ेगी, ये इंपॉर्टेंट में आता है, खाता खोलने की तिथि यानी कि जब से आपने शुरुआत की होगी सहारा में इन्वेस्ट करना, उसकी एक तिथि दी हो गई होगी और एक पर्ची भी दी गई होगी, उसकी तिथि डालेंगे। जमा योगदान राशि, यानी आपने जितने पैसे जमा किए हैं, कितने पैसे जमा कर दिए हैं, उसका विवरण यहाँ डालना होगा, और इसमें से किसी तरह का कोई भुगतान तो नहीं लिया है, या सहारा से किसी प्रकार का ऋण तो नहीं लिया है, कर्जा नहीं लिया है, उसका भी विवरण यहाँ देना है। अगर इन चीज़ों को नहीं आपने किया है तो यहाँ टिक नहीं करना है। इसके बाद जमा प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ेगा, कितने पैसे आपने अपलोड किए, मतलब जमा किए हैं, उसकी जो पर्ची आपको मिली होगी उस पर्ची को यहाँ अपलोड करना होगा। अगर दावा एक से ज़्यादा सोसाइटीज़ का है तो यहाँ दावा आप जोड़ सकते हैं,
सकते हैं। इसके बाद से इसका विवरण आपको दिखेगा। अब इसका विवरण कुछ इस तरह से आएगा, सोसाइटीज का नाम आएगा, सदस्यता संख्या आएगी, खाता संख्या आएगा, रसीद संख्या आएगा, प्रमाण पत्र आएगा यानी कि वो पासबुक नंबर जो आता है, जमा लेखन तिथि आएगी, कितने तारीख को आपने पैसे जमा किए थे वो आएगा, प्रमाण पत्र का नंबर जो है वो आएगा, ये तमाम चीजें आपकी आ जाएंगी। ये आपका जो क्लेम है ये क्लेम का विवरण है। क्लेम का विवरण तैयार होने के बाद आपको इस चीज का कंफर्मेशन देना पड़ेगा कि ये जितनी भी चीजें आपने दी हैं वो बिल्कुल सत्य हैं और इसमें आप किसी तरीके का आगे फेर बदल नहीं करने वाले हैं, यानी कि कोई बदलाव नहीं करना चाहते हैं क्योंकि इसमें बदलाव की कोई प्रक्रिया नहीं दी गई है। एक बार आपने जो विवरण दे दिया है वो विवरण यहाँ पे जमा हो जाएगा और उस विवरण का एक प्रपत्र भी निकलेगा, यानी कि देखिए प्रपत्र जनरेट करें, एक पेज निकलेगा इस तरह का दावा आवेदन प्रपत्र करके, क्लेम एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि जो डिटेल आपने डाली थी वो सारी डिटेल आ जाएगी, फोटो चिपकाने की एक जगह आएगी। इस पेज को आप पहले डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद इस पे देखिए आगे की जो प्रक्रिया है, यहाँ फोटो डालनी होगी, आपको अपनी एक फोटो लगानी होगी, फोटो लगाने के बाद वहाँ पे क्रॉस सिग्नेचर करना होगा। ये सिग्नेचर करने के बाद नीचे ये कुछ चीज़ें दे जा रही हैं, इसको सारी चीज़ें फिलअप करने के बाद इसे दोबारा से अपलोड करना है, यानी कि पहले वहाँ से डाउनलोड करना है। चौथे यानी देखिए सबसे पहले आपने अपनी आईडी बता दी, फिर व्यक्तिगत विवरण दे दिया, दावा विवरण हो गया, फिर ये प्रपत्र जो है आपने जनरेट किया यानी डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद ये फोटो और सिग्नेचर करने के बाद दस्तावेज को दोबारा से अपलोड करेंगे। ये जब अपलोड हो जाएगा तब आप आखिरी चरण में पहुंचेंगे और यहां देखिए पावती और रसीद, ये आपकी रसीद होगी। हम आपके दावों की प्राप्ति स्वीकार करते हैं, आपका दावा अनुरोध संख्या इतना है, ये क्लेम डेट आ जाएगी, डेट के नीचे एक नंबर दिया जाएगा, ये यूनिक नंबर होगा, इसी नंबर के इस्तेमाल करके आप चीजों को अपने क्लेम को देख सकते हैं कि आपका क्लेम कहां तक पहुंचा है, कब मिलने वाला है। इस तरह की तमाम चीज़ें आगे जिस तरह से सरकार अपडेट करेगी वो तमाम अपडेट मिलेंगी। तो आपको सहारा का अगर आपने फॉर्म नहीं फिलअप किया है, आवेदन नहीं किया है, तो इस आवेदन को कर दीजिए और अगर आवेदन कर दिया है तो कुछ दिनों और वेट कर लीजिए, देखिए सरकार आगे क्या निर्णय लेती है, किस तरह से चीज़ें होती हैं। ये तमाम जानकारियाँ जो थी आपको कैसी लगी, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये जो आपको सामने ये दिख रही है पोर्टल, इस पोर्टल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप उसी नाम से यानी मीडिया लैंड के नाम से यूट्यूब पे जाइएगा और यूट्यूब में आपको इसका डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप बाकी की चीज़ें जान सकते हैं और कैसे जाके अप्लाई करना है वो वहाँ आप देख सकते हैं। ये वीडियो पूरी कैसी लगी आपको हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं जमा सिद्दीकी, आप देख रहे थे मीडिया लैंड नेटवर्क।